होली वाले दिन बेटा सारा दिन खेड़दा रहा, थोड़ा समा पढ़िया भी। जदों शाम दा वेला होया वो कमरे दे विच आया। वो कमरे दे विचों कुछ खेडन ले लभन लगा। मैं उसनूं कहा कि पुत चलो 5 मिनट बैठ के जाप करो। कहिंदा पापा नहीं। मैं क्या 5 मिनट ही तो करना है, मन शांत हो जाऊगा। मेरे आखे तो लग गया ते बैठ गया सिमरन करन ले। उसने सिमरन शुरू किया, फिर उच्ची होया, फिर दूजे ही मिनट हौली करके चुप कर गया ध्यान दे विच। फिर नाल ही फतेह बुला दिती। मैं आख्या कि बड़ी जल्दी फतेह बुलाई। कहिंदा पापा बहुत काम करने ने, मैनू अजे काम है, अजे खेडना भी है, फोन देखना है। इस तरह असी भी सिमरन तो इलावा बाकी सारे काम जरूरी समझते हाँ। पर गुरबाणी कहती है कि सब तो पहला सिमरन फिर बाकी काम। मैं कहा पुत बाकी सारे काम बाद दे विच, पहला सिमरन। कहिंदा पापा रोटी तो भी पहला सिमरन। मैं कहा हाँ, ये सब तो ज़्यादा जरूरी काम है जो असी सारी जिंदगी दे विच भी नहीं करते। तो ये काम किए बिना दरगाह दे विच मान सत्कार ते जगह भी नहीं मिलती। सानू जमा दे रस्ते जाना पैंदा है, नरकां दे विच जाना पैंदा है। साडा जन्म मरण इसे तरीके चलता रहिंदा है। इस करके असी सारे कम्मां नालों पहला सिमरन नू पहल देनी है।